केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रस्तावक रैदास मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद के संग सीएम योगी ने अपना नामांकन के 2 सेट दाखिल किया। वहीं सीएम योगी ने अपना 2 अन्य नामांकन सेट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार अग्रवाल और शहर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ दाखिल किया। चारों नामांकन सेटों में सामाजिक समरसता और लोक कल्याण की झलक देखने को मिली, जो गोरखपीठ के मूल में है, जिसके वर्तमान पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से बतौर भाजपा प्रत्याशी सीएम योगी ने नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर भी पीठ की इसी सामाजिक समरसता के अभियान को आगे बढ़ाया। 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिन 4 प्रस्तावकों बोलचाल में प्रस्तावक और 1 इलेक्शन एजेंट का चयन किया गया, उसके माध्यम से समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया गया। सामाजिक दृष्टिकोण से इसमें सामान्य वर्ग ओबीसी अनुसूचित को शामिल किया गया, तो व्यवहारिक कार्यगत नजरिए से उद्यमी, शिक्षाविद, चिकित्सक, शिक्षक और धर्म आध्यात्म से जुड़े लोग सहभागी बने। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, महात्मा गांधी इंटर व पीजी कॉलेज के प्रबंधक मंकेश्वर नाथ पांडे, रैदास मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को सीएम योगी के तरफ से दाखिल अलग अलग सेट के नामांकन पत्र में प्रस्तापक या प्रस्तावक बनाया गया है, जबकि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलेक्शन एजेंट होंगे। वैश्य समाज के आने वाले सुरेंद्र कुमार अग्रवाल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं। वह स्थानीय स्तर पर उद्यमियों के सर्वमान्य प्रतिनिधि माने जाते हैं। IIT रुड़की से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले श्री अग्रवाल उद्यमी हैं और गीडा में उनकी अपनी केमिकल प्रोडक्ट की यूनिट है। वह योगी के संसदीय जीवन के प्रारंभ से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर में औद्योगिक वातावरण के विकास को लेकर उनकी योगी आदित्यनाथ से निरंतर संवाद होता रहा है। गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट को ODOP में शामिल कराने और गीडा में रेडीमेड गारमेंट पार्क की स्थापना को लेकर श्री अग्रवाल के सुझावों पर मुख्यमंत्री ने निर्णायक मुहर लगाई है। मंकेश्वर नाथ पांडे उस नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंधक हैं जो MG इंटर कॉलेज, PG कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थाओं का संचालन करती है। ब्राह्मण और कायस्थ दोनों समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री पांडे गोरखपीठ के सामाजिक अभियानों में निरंतर सहभागी बनते रहे हैं। एक शिक्षाविद के रूप में उनकी ख्याति पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। यह वर्ष 2007 में खुद भी शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से ब्राह्मणों और कायस्थों में खासे लोकप्रिय हैं। रैदास मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद सीएम योगी के नामांकन के लिए 1 सेट प्रपत्र के प्रस्तावक हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले श्री प्रसाद सामाजिक समरसता की उसी विचारधारा के प्रतिनिधि हैं जिसे गुरु गोरक्षनाथ, उनके उपासकों और संत रैदास ने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। विश्वनाथ प्रसाद गोरखपीठ और उसके महंतों के छुआछूत और सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के अभियान से न केवल प्रभावित हैं बल्कि खुद भी उससे जुड़े हुए हैं। उन्हें अनुसूचित वर्ग के लोगों में सामाजिक चेतना के लिए अभियान चलाने के लिए भी जाना जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और मशहूर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव महानगर में सामाजिक सरोकारों के निर्वहन के लिए भी जाने जाते हैं। उनके कायस्थ समाज में मजबूत पैठ तो है ही, संस्कार भारती जैसे संगठन से जुड़कर वह समाज के हर वर्ग की प्रतिभाओं को मंच देने में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। डॉक्टर मंगलेश का भी गोरखपीठ के सामाजिक प्रकल्पों से गहरा जुड़ाव रहा है। यह चिकित्सक समुदाय के बीच भी खासे लोकप्रिय हैं। इन 4 प्रस्तावकों के अलावा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को सीएम योगी के चुनाव के लिए इलेक्शन एजेंट की जिम्मेदारी दी गई है। ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सिंह की गिनती श्रेष्ठ शिक्षकों में होती है। उन्हें शैक्षिक अनुशासन और प्रबंधन के लिए सराहा जाता है। Thank you.
के आ चुकी है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अमित शाह अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं और उनके ठीक दाहिने साइड में आप देखिए नीलू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, उनके बाईं तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और सभी वहां से आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। आप देखिए चेहरे पर एक मुस्कान भी नजर आ रही है अमित शाह के। आप देख सकते हैं अमित शाह जी आपके उद्घाटन भी स्वीकार कर रहे हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब सुरक्षा चक्र से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमारे ठीक सामने से गृहमंत्री अमित शाह गुजर रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं, नीलू जीत का पूरा भरोसा है, बड़े मार्ग। इस वक्त उसी सोफे पर गृहमंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं और उनके बगल में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चारों प्रस्तावक पहले ही पहुंच चुके थे, जो कि चार प्रस्तावक इसलिए नहीं, क्योंकि चार सेट यहां पर तैयार किया गया है ताकि बाद में डॉक्यूमेंट्स की किसी प्रकार की अगर कोई कमी हो तो ये सुनिश्चित किया जा सके। सर एक पिक्चर बना, ये पिक्चर लोगों को खिंचवा से सर कहाँ पर। हाँ सर थैंक यू सर। Thank you.
ना और क्या बोलो, फिर भाषण नहीं उठाए, हम दोनों के भाषण होते हैं, एक काम करेंगे। ये हमारे प्रस्तावक हैं अनुसूचित जाति, यहाँ पर क्या नाम है आपके? विश्वनाथ प्रसाद है, रविदास मंदिर के संरक्षक हैं यहाँ के, और अपने भारतीय जनता पार्टी से बचपन से जुड़े हैं, बहुत प्रभावी कार्यकर्ता है, अच्छा काम निषाद जी प्रदेश अध्यक्ष और आशीष पहुंच गए वहां मंदिर चारों का बैठ रहे। तो टाइम आया पास 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 से बापू तमाम लोग जो है कहे गृह मंत्री अमित शाह की बात किया जाए, किशन गोदन की बात किया जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ यहाँ और राजेश भाई।